स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसके अंदर मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि जो कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और उसकी रूट्स अगर एचपी में लाइक हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो कैसे हम उसके रूट्स निकालते हैं, प्लस कभी कभी इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें आपको कुछ प्रूफ करना होता है कि इफ द रूट्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन प्रूव दिस रिलेशन, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली यहां पे अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे और बीएससी और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है लाइक आईआईटी जेम्स सीएसआर नेट और गेट इस टाइप के एग्जाम्स के लिए मैं कंटेंट यहां पे अपलोड करता हूं और मुझे लगता है मेरा कंटेंट आप देख रहे होंगे और मेरे साथ बने हुए हैं, सो वो आपको जरूर हेल्प कर रहा होगा। और अगर मेरे जितने भी पुराने वीडियोज हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यहां पे जो आईटी बार है यहां पे जाके मेरे पुराने सभी वीडियोज को देख सकते हैं। स्टूडेंट थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और भी जो टॉपिक है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और हायर मैथमेटिक्स के ऊपर है वो भी आपको यहां पे दिख जाएंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहां पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन इफ दे आर इन एचपी, अगर आपके उसके रूट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो कैसे हम उसके रूट्स निकालते हैं। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में नॉलेज दे देता हूं कि ये होती क्या है। लाइक जो भी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसकी जस्ट रेसिप्रोकल सीरीज होती है। लाइक हम जानते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एचपी एपी क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी इस टाइप की हमारी सीरीज होती है एपी। अगर इसका जस्ट हम उल्टा कर दें इस टाइप का तो ये हमारी जो सीरीज होती है क्या होती है, हमारी एचपी होती है, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है, एच पी होती है, है ना। तो अगर हम बाय चांस बात करें कि ये हमारा अल्फा रूट है ना, ये हमारा बीटा रूट है और ये हमारा गामा रूट है, तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन ये होता है कि 2/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/गामा। आप अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 2 और इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे ए प्लस, क्योंकि 1/बीटा दिस इज द बीटा देन 1/बीटा क्या आएगा, ये आएगा है ना, इज इक्वल टू 1/अल्फा। इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो ए, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो ए प्लस टू डी, देखो बिल्कुल सही है ना, 2a + 2d इज इक्वल टू 2a + 2d। तो यहां पे जब भी कोई रूट अल्फा बीटा गामा अगर एचपी में है तो उनके बीच में ये रिलेशनशिप होती है, ये याद रखने वाली बात है ना। स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है सर ये कैसे आता है, ये मैंने आपको अभी समझाया, क्लियर। तो देखिए यहां पे आपको क्या दरकार, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इफ दे आर इन एपी, है ना। तो हम जानते हैं लेट अल्फा बीटा गामा आर इन एचपी देन वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग यहां पे, क्या जानते हैं हम, 2/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/गामा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर, है ना। तो ये कितना आएगा, 2/बीटा इज इक्वल टू ये आएगा अल्फा गामा, है ना, और ये आएगा आपके पास, इधर आ जाएगा आपके पास गामा, इधर आ जाएगा अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 अल्फा गामा इज इक्वल टू बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है। अब हम बात करेंगे, चूंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है थोड़ी सी मैं साइड में रख लेता हूँ, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 है, बी की वैल्यू है -11, सी की वैल्यू है 6 और डी की वैल्यू है -1, ठीक है, है ना, ये आपको दे रखा है। अब हम बात करते हैं, चूंकि अल्फा बीटा गामा मैंने बोला है कि इफ दर इन इफ अल्फा बीटा आर इन द एचपी देन वी नो दैट दिस और लेट द अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, क्योंकि इसकी रूट्स अगर एचपी में है तो हमने मान लिया कि वो रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है माइनस का बी बाय ए और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस का तो 11 हो जाएगा और प्लस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। देन हम बात करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू होती है सी अपॉन है और सी कितना है यहाँ पे 6 और लाइक मैं इसको सी अपॉन ए लिख ही देता हूँ तो 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। देन हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का डी बाय ए, है ना, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी डी की वैल्यू माइनस 1 है तो 1/6 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले इसको लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, राइट। देखो अब हम बात करते हैं, है ना, अब यहाँ देखिए बीटा गामा प्लस गामा सॉरी बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा दिख रहा है ये इसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर, तो मैं यहाँ रख दूँ, है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखता हूँ 2
अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, है ना। तो ये आएगा आपके पास 3 अल्फा गामा इज इक्वल टू 1, देन अल्फा गामा इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास एक रिलेशन मिल गया। स्टूडेंट देखिए, ये अल्फा और ये गामा, देखो ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये जो अल्फा गामा इसकी वैल्यू उठा के रखता हूँ, हम जानते हैं क्या जानते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/6। इट इम्प्लाइज, है ना, अल्फा गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3, और ये बीटा इज इक्वल टू 1/6, देन इट इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास बीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई, क्लियर। अब 1/2 आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू 1/2 उठा के यहाँ रख दीजिए, है ना। तो लाइक इस इक्वेशन से हम जानते हैं क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 11/6, और बीटा इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 1/2, और ये 1/2 मैं उस साइड में ले गया तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। भैया मैंने वैल्यू रखी है ना, क्या रखी, अल्फा प्लस 1/2 प्लस गामा इज इक्वल टू 11/2 उधर गया, है ना। नाउ 3 से ऊपर तो 11/3, सो 8/2, आई थिंक अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, 3 से किया 8/6, मतलब ये हो गया अराउंड 4/3। ये आपके पास एक रिलेशन मिल गया, सॉरी दिस इज 4/3, है ना। अब देखो प्रॉब्लम ये आ रही कि आपको यहाँ पे मिल गया, क्या मिला, एक आपको बीटा मिल गया, अब आपको चाहिए अल्फा और गामा। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाऊंगा और वो इक्वेशन आपको याद रखनी है, अल्फा माइनस गामा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस किसके बराबर होता है, अल्फा गामा के स्क्वायर के माइनस का 2, सॉरी अल्फा गामा इसके बराबर होता है ना। जब हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा अल्फा, 2 गामा अल्फा में से माइनस का 4 गामा अल्फा गया तो माइनस का 2 अल्फा गामा, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर। बिल्कुल हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो आगे क्या आएगा, अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट मेरे पास अल्फा प्लस गामा की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आ रही है, इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 16/9। अरे भैया स्क्वायर कर दिया इसका, माइनस का अल्फा गामा की वैल्यू किसके बराबर है, 1/3 है, वो उठा के रखेंगे तो माइनस का कितना आएगा 4/3, है ना। नाउ ये 12/3, 12/9, 12/9 से 4/9, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी स्टूडेंट, 4/9 आएगी। देन इसका हम रूट लेंगे तो अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/3 प्लस माइनस, मैं प्लस ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, प्लस। तो मैंने ले लिया अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू, मैंने ले लिया प्लस 2/3। स्टूडेंट इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, है ना। जब हम ऐड करेंगे इसको तो यहाँ से गामा कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 2 अल्फा इज इक्वल टू आएगा 6/3, 6/3 का मतलब होता है 2, है ना, 6/3 आएगा ना, 6/3 का मतलब कितना होता है 2, देन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, और ये अल्फा इज इक्वल टू 1 उठा के आप यहाँ रख दीजिए, उधर जाएगा तो क्या आएगा 4/3 माइनस 1, तो आई थिंक 1/3, सो गामा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 1/3, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, रूट्स आए। तो स्टूडेंट जो हमारे पास रूट्स आए वो मैं थोड़ा सा इज्जत से लिख देता हूँ, सो द रूट्स आर अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1/2 आई, और गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1/3। इसको मैं ढंग से लिखूंगा तो 1/1, 1/2 एंड 1/3। स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1, 2, 3, देखो इसका डिनोमिनेटर एपी में चल रहा है, बिल्कुल सही है। सो दीज आर द रूट्स, मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया इसलिए समझने में दिक्कत आ रही होगी। देखो जब भी कोई अल्फा बीटा गामा एचपी में होता है तो उसके बीच में ये रिलेशनशिप होती है, और कैसे होती है वो मैंने आपको उधर समझाया, ठीक है। नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अल्फा गामा इज इक्वल टू बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा, है ना, और हम जानते हैं ये 3 रिलेशन होता है S1, S2, S3, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 11/6, है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा 1 इज इक्वल टू गामा अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/6, है ना। नाउ स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने, 2 अल्फा गामा, तो 2 अल्फा गामा और अल्फा गामा 3 अल्फा गामा हो गया, 3 अल्फा गामा तो अल्फा गामा की वैल्यू 1/3 आई, और ये अल्फा और गामा इसकी वैल्यू 1/3 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बीटा हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब ये बीटा 1/2 उठा के रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अल्फा प्लस गामा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। स्टूडेंट अल्फा प्लस गामा हमें मिल गया पर हमें अल्फा माइनस गामा चाहिए, ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस गामा की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं इसका होल स्क्वायर खोल के इसको माइनस करेंगे तो ये अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर बनेगा, अल्फा माइनस गामा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हम जानते हैं रखी, यहाँ से हमारे पास अल्फा माइनस गामा आ गया प्लस माइनस 2/3। स्टूडेंट प्लस लेंगे, है ना, प्लस। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं लिया, अरे भाई माइनस भी लेंगे तो यही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लेंगे, देन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 1, और ये अल्फा उठा के 1 यहाँ रख दीजिए,
तो बीटा हमारे पास आ गया 1/3, तो अल्फा बीटा गामा तीनों रूट आ गए, क्योंकि हमें तीनों रूट निकालने थे, क्योंकि तीनों रूट एच पी में और हमने माने थे अल्फा बीटा गामा, तो इनको थोड़ा इज्जत से लिख दिया, तो 1/2, 1/3, मतलब 1/1, 1/2 और 1/3, देखो नीचे ये ए पी आ रही, मतलब ये रूट्स क्या है एच पी में। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन लूंगा जो लाइक प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है कि इफ द रूट्स आर गिवन इक्वेशन इज इन एच पी देन प्रूव दिस रिलेशनशिप, तो वो कैसे हम करते हैं वो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इन एच पी देन प्रूव दैट दिस रिलेशन। स्टूडेंट इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर जो मैं कंसेप्ट यहाँ यूज करने वाला हूँ इस कंसेप्ट से, आप बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सब में यही कंसेप्ट यूज होने वाला है, राइट? तो देखिए आप लेट क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। और स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अगर आपको रूट दे रखा है तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं, अगर हम जानते हैं कि वो अगर एच पी में है तो क्या होता है 2/β = 1/α + 1/γ। ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो ये आएगा 2/β = ये आ जाएगा यहाँ पे γ + α/α γ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 2α γ = β γ + β α, है ना, ये याद रखने की ज़रूरत है ना। अब जो इक्वेशन दे रखी है उसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, है ना, x³ - px² + qx - r = 0, जहाँ पे आपको a की वैल्यू दे रखी है 1, b की वैल्यू आपको दे रखी माइनस का p, c की वैल्यू दे रखी है आपको q एंड r की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का r, ठीक है ना, d की वैल्यू सही है। नाउ हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ज्ञान दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर रूट अल्फा बीटा गामा है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस का b बाय, है ना, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है सी बाय ए, एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है माइनस का डी बाय, है ना। तो यहाँ पे वही काम यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस का बी बाय ए, सो बी की वैल्यू माइनस का पी है और ए वन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है सी बाय ए, सी की वैल्यू क्यू है स्टूडेंट, इसी रिलेशन से हमारा काम हो जाएगा। एक और चलो लिख लेते हैं मैं यहाँ पे, और वो यहाँ लिख लेता हूँ अल्फा, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, चलो क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाय सॉरी माइनस का डी बाय ए, और डी की वैल्यू माइनस का आर है तो ये आर हो जाएगा। पर स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया था कि अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा, है ना, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है 2α γ, तो इसको यहाँ रख देंगे 2α γ, 2α γ एंड अल्फा गामा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3α γ इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये अल्फा गामा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अल्फा गामा इज इक्वल टू क्यू बाय 3, ये अल्फा गामा उठा के कहाँ रख देंगे हम, मैं इसको और इसको लेने वाला हूँ, है ना, ये क्यू है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे इसकी, तो अल्फा गामा की जो वैल्यू है, देखो ये बीटा साइड में करता हूँ, अल्फा गामा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे क्यू बाय 3 इज इक्वल टू आर, तो बीटा इज इक्वल टू होगा 3r/q, ये हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा। नाउ हम जानते हैं कि जो अल्फा बीटा गामा ये इसके क्या है रूट है, तो ये तीनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे ही है बीटा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये इस बीटा बीटा इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराओ कितना आएगा यहाँ पे बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। देखो अल्फा बीटा गामा तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है 3r/q, ये उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट देखो 3r/q - p × 3r/q² + q × 3r/q - r = 0, नहीं ये हो जाएगा आपके पास 27r³/q³ - p, ये हो जाएगा हमारे पास 9r² / q² और ये q से q कैंसिल हो गया 3r - r = 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे क्यू क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और पहली बात तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आएगा अपॉन क्यू क्यूब माइनस 9pr² / q², और यहाँ से हो जाएगा ये 2r, 3r में से आ गया तो 2r, नाउ क्यू क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 27r³ - 9pr² q + 2r³³ = 0, और मुझे लगता है यही आपको यहाँ पे क्या करना था
प्रूव करना था, देखो है ना, r कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, r कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 27r² - 9pr³ + 2qq = 0, बिल्कुल यही आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल है ना। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपके सामने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे काफ़ी सारे वीडियोस लिए हैं, जहाँ पे मैंने एपी और जीपी और एचपी और भी क्वेश्चंस हैं जो सिंथेटिक डिवीजन में और बेस्ड है, तो वो आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट वाली स्क्रीन पे मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं जो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे या बीएससी पे या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स यूज़ आती है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, कंटेंट कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट करके, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।